नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डिक्की में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वह प्रश्न है जो विगत 9 वर्षों में पूछे गए हैं, चाहे यूं समझ लीजिए कि 2011 से लगाकर 2019 तक जितनी भी एग्ज़ामें हुई, चाहे वो सी टेट हो, यू पी टेट हो, एम पी टेट हो, रीट हो, स्टेट हो या फिर अन्य टेट एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ामों से 30 लिए गए प्रश्न हैं। 2 पार्ट में अभी तक बना चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है, यानी कि अभी तक मैं 60 प्रश्न बना चुका हूँ, ये 30 प्रश्न मिलाकर 90 प्रश्न हो जाएंगे। साथ ही साथ आप सभी को पता होगा दोस्तों कि हमारे देश में एक महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस। तो जो सरकार दोस्तों नियम बना रही है उसके अनुसार ही आपको चलना है, क्योंकि आपके लिए ही वो नियम बनाए जा रहे हैं। जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उनको आपको अच्छे से समझाना है, अपने घर वालों को समझाना है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। यदि आपको जरूरी काम है, कोई ऐसा काम है कि वो आपको जाना ही पड़ेगा बाहर, तो आप जाइए, उस काम को निपटाइए। उसके बीच में आपको किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है, अपना काम को निपटाकर अपने घर तुरंत आ जाना है और फिर अपने आप को सैनिटाइज करना है और समय समय पे अपने हाथों को धोना है। आपकी सुरक्षा है दोस्तों, आपके परिवार की सुरक्षा है, तो अपना और अपना परिवार का अच्छे से ध्यान रखिए और जो सरकार नियम बना रहे हैं उनका आपको अच्छे से पालन करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा पर्यावरण अध्ययन का। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा युग्म है जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है। वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, या फिर वृद्धि और प्रजनन। तो यहाँ पर जो युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है वो वृद्धि और प्रजनन है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, या फिर केवल हरे रंग में देख सकते हैं? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ प्रश्न सीटेट में 2 बार पूछा जा चुका है, सीटेट 16 फरवरी 2014 में और 18 जुलाई 2013 में यहाँ प्रश्न पूछा जा चुका है सीटेट एग्जाम में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल काली और सफ़ेद रंग में ही देखते हैं। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहे। चलिए अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं वर्तिकान, परागकोश, पराग या फिर मूलांकोर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने अध्याय वाइज वीडियो बनाए हैं पर्यावरण अध्ययन के, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर हर एक प्रश्न को अच्छे से समझाया है। जो प्रश्न आपके सामने दोस्तों, इस प्रश्न को भी अच्छे से समझाया है, तो आपको यदि उन वीडियो को देखना है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, पंखुड़ियों के फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिसे पराग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें पराग कहते हैं। यहां पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है, हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है? असम में, ओडिशा में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर मेघालय में? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, यहाँ पौधा मेघालय में पाया जाता है हमारे देश में। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से कौन सा जनपद है जिसमें चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, लखीमपुर खीरा, चंदौली, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है चंदौली, चंदौली जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है, 4 विकल्पों में से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो संस्था है दोस्तों, ये वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। एक बार फिर इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यह संस्था है जो कि वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है। यहां पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वहां उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या फिर बच्चे देता है? तो आपको सभी को पता है चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वहां बच्चे देता है, इसलिए वो स्तनधारी है। यहां पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
जियो के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है जियो के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है इथोलॉजी। इथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है जियो के व्यवहार का, यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, यहाँ पर आपको बताना है कौन से राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यहाँ पक्षी हो सकता है, चार विकल्प दिए हैं दोस्तों, इसी में से आपको बताना है वहाँ पक्षी कौन हो सकता है, शकरखोरा, कलचिड़ी, कोवा या फिर फाकता, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कोवा। कोई पक्षी यानी कि कोवा जो होता है दोस्तों, ये पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य, यहाँ पर आपको मूल उद्देश्य बताना है वन अधिकार अधिनियम 2006 का, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ प्रश्न एस्टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना, ये वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, एक, दो, तीन या फिर चार, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो मनुष्य के हृदय में कक्ष की संख्या होती है वो चार होती है, याद रखिएगा कितनी होती हैं, चार कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में। अब कौन कौन से होते हैं, पहला होता है बाया आलिंद, दूसरा होता है बाया निलय, तीसरा होता है दाया आलिंद और चौथा होता है दाया निलय। यदि आपको इसको याद करना है तो इसको दो को ही आपको याद करना है, आलिंद और निलय इन दोनों को याद करना है तो आपको चारों याद हो जाएंगे, उसमें आपको बाया और दाया ही लगाना है, बाया आलिंद, बाया निलय, दाया आलिंद और दाया निलय, सिर्फ चार कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में, जो आपको मैंने बता दिए कौन कौन से चार होते हैं, तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वहाँ प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है, वहाँ कौन सी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण है, वाष्पीकरण है, सघनन है या फिर परागण है, तो वहाँ प्रक्रिया परागण है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीच में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है, यहाँ उद्धव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है, इस पुस्तक के रचयिता, यहाँ पर आपको बताना है इस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इस पुस्तक के रचयिता चार्ल्स डार्विन है, यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इस पुस्तक की रचयिता चार्ल्स डार्विन है, यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है, मेंढक, मछली, टारपीडो या फिर ध्रुवी भालू, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो टेडपोल है दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है ये किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है, तो यहां पर हमारा सही आंसर है ये मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है टेडपोल, तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और सरल प्रश्न है, आप सभी को पता है कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो वहां अभ्यारण्य काजीरंगा है, याद रखिएगा असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो काजीरंगा है, यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कैसे बदलते हैं चरने वाले पशु वनस्पति को, बीज प्रक्रियण द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना या फिर रोग फैलाकर, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चुनकर चरना, चुनकर चरने से बदलते हैं चरने वाले पशु वनस्पति को, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, जाइलम, पलोएम, केम्बियम या फिर पेलिसेट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, काफ़ी बार इस प्रश्न को आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो पौधों में जल का अधिग्रहण जो होता है दोस्तों वो जाइलम के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है पौधों में जल का अधिग्रहण, तो यहाँ पर ए वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या फिर नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय या फिर वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्था UN है, यूनाइटेड नेशन पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। यहाँ से दोस्तों दो प्रश्न और निकल के आते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सरल है पर काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और पहली बार कब मनाया गया था, तो ये पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और पहली बार ये 5 जून 1974 को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर UN का जो पूरा नाम होता है वो यूनाइटेड नेशन होता है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है। यहाँ पर 4 विकल्पों में से आपको बताना है वो कौन सी प्रक्रियाओं का युग्म है जो पौधों को जंतुओं से अलग करता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है क्लोरोफिल तथा रसधानी। क्लोरोफिल तथा रसधानी यह युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में जो दिए जाने वाला पुरस्कार है वो कौन सा है। पर्यावरण मित्र है, पर्यावरण श्री है, तरु मित्र है या फिर वृक्ष मित्र है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है वो वृक्ष मित्र है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा, याद रखिएगा। वहाँ कौन सा पुरस्कार है, तो वहाँ वृक्ष मित्र है, तो याद रखिएगा यहाँ पर डी विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वहाँ संस्था IUCN है, याद रखिएगा IUCN या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जन ऑफ नेचर इसका पूरा नाम है। एक बार फिर मैं इसका पूरा नाम बता देता हूँ, IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जन ऑफ नेचर। यदि इसका हम हिंदी में अनुवाद करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसका हिंदी में अनुवाद होता है। यह संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु। अब बताती है यदि पूछ लिया जाए कि IUCN का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जन ऑफ नेचर का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, और यदि हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ होता है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, जड़, तना, फूल या फिर फल। तो यहाँ पर जो लौंग एवं केसर के जो पौधे होते हैं ये फूल भाग से प्राप्त होते हैं, लौंग एवं केसर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा यहाँ अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। तो ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 300 के 300 ही। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, काफ़ी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, वहाँ कौन सा पक्षी है जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा वो चील, बाज और गिद्ध है, जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, वो कौन सा पक्षी है जो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो वहाँ पक्षी उल्लू है दोस्तों। जो उल्लू पक्षी होता है ये काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है, यहाँ पेड़ कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर दोस्तों रेगिस्तान में जो ओक जो पेड़ होता है उसके बारे में उसकी विशेषता बताई गई है और उसके बारे में पूछा गया है कि यहाँ पेड़ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, आबूधानी में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर रूस में, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है यहाँ पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार यहाँ एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा सीटेट एग्जाम में यहां प्रश्न पूछा गया है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक पेड़, तो यहां पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों में से छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप, इसमें से आपको बताना है कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप में ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं या फिर इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है इन जो चार यहाँ पर दोस्तों जानवरों के बारे में बताया गया है, छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप, ये सभी अंडे देते हैं, ये इनकी विशेषता है चारों की, तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। तो यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे या फिर कह सकते हैं कि जो तीसरा पार्ट था यानी कि 90 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपने दो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो भी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे ऐप टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऐप से को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, जल्दी ही दोस्तों एक अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।